गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपको अजंता पढ़ा रही थी। मैंने अपने पिछले तीनों वीडियोस के अंदर मैंने अजंता की खोज, अजंता में किस प्रकार भित्ति चित्रण हुआ है, अजंता के प्रमुख चित्रों के बारे में मैंने आपको बताया था। कल मैं गुफा 16-17 के बारे में बताई थी। इसके अतिरिक्त गुफा संख्या 1 में पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र भी बहुत महत्वपूर्ण चित्र है। इसके अतिरिक्त सर्वनाश का सूचक चित्र भी इस गुफा का महत्वपूर्ण चित्र है। अजंता की विशेषताएं: अजंता के अपूर्व सौंदर्य, उसकी असाधारण कला कुशलता का द्योतन करने वाली कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। फर्स्ट, भाव प्रवणता। अजंता की चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ गुण उसकी ख्याति के प्रमुख आधार है, उनमें दर्शित हार्दिक तथा मानसिक भावनाओं की प्रांजल व्यंजना। उसमें शांति, करुणा, उल्लास, स्थिरता, सौहार्द, भक्ति, विनय और विकलता, इन सभी भावनाओं का बड़ा सुंदर व्यक्तिकरण या चित्रांकन हमें अजंता में देखने को मिलता है। पद्मपाणि बोधिसत्व की करुणा, मरणासन राजकुमारी की अलसता, बुद्ध के मुख मुद्रा की जो शांति है वह, या माता पुत्र के चित्र में जो श्रद्धा का भाव है, भक्ति है, इन सभी में अजंता के कलाकारों ने अपने हृदय की गहराइयों से इनके भावों का अंकन किया है। अजंता की चित्र शैली का प्राण उसके भाव ही हैं। वस्तुतः यह भाव प्रवणता ही अजंता की चित्रकला की आत्मा है, जिसके बिना अजंता के चित्र निष्प्राण है। भगवान तथागत की अहिंसा, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा आदि भावनाओं का दर्शन इन चित्रों में हमें देखने को मिलता है। अजंता के चित्रों की जो दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है वो है रेखा सौष्ठव। अजंता के चित्रों में रेखाओं और तुलिका का बड़ा ही महत्व हमें दिखाई देता है। वे भावपूर्ण रेखाएं विलास और श्रृंगार से सर्वथा परे हैं। रेखाओं का जो कर्व है, रेखाओं की जो गोलाई है, रेखाओं के द्वारा हस्त मुद्राओं और पाप देह यष्टि का जो चित्रांकन कलाकार ने किया है वो देखने लायक है। इनमें कहीं भी भारीपन या संकोच नहीं दिखाई देता। तुलिका में इतनी गतिमयता है कि उसके थोड़े ही प्रत्यावर्तन से चित्र की रूपरेखा, समस्त भाव जो है वो उभर कर हमारे सामने आ जाता है। अजंता के चित्रों की तीसरी विशेषता है रंगों का संयोजन। इस प्रकार अजंता के चित्रों में रंगों का संयोजन बड़ी ही निपुणता के साथ किया गया है। यद्यपि उनमें कुछ विशेष रंगों का प्रयोग हुआ है, किंतु उनके उपयोग की विधि सर्वथा निजी है। उन चित्रों में गेरुआ, रामरज, हरा, काजल, नीला और चूने के रंगों का विशेष प्रयोग हमें देखने को मिलता है। अजंता के संयोजन में इस विवेक से काम किया गया है कि जिसके कारण चित्रों में पर्याप्त विविधता पैदा हो गई है। रंग गहरे होने पर भी भारीपन से मुक्त हैं। अंक, जीवन की विविधता। अजंता के कलाकृतियों में जीवन के अनेक रूप हमें दिखाई देते हैं। जीवन के हर स्तर का चित्रांकन हमें अजंता के चित्रों में देखने को मिलता है। जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों की बहुत ही सुंदर व्यंजना हमें अजंता के चित्रों में देखने को मिलती है। उनमें गांवों के सामान्य एवं शांत वातावरण तो नगरों के कोलाहलपूर्ण जीवन का एक जैसा मार्मिक ढंग से चित्रण हमें देखने को मिलता है। रंग से लेकर राजा तक सामाजिक जीवन के भिन्न भिन्न पक्षों का वास्तविक स्वरूप अजंता के चित्रों में दिखाई देता है। तत्कालीन रहन सहन, वेशभूषा, आमोद प्रमोद और सौंदर्य सज्जा की सुंदर झांकियां प्रस्तुत करने में अजंता के चित्रों ने भारतीय और विशेष रूप से गुप्तकालीन संस्कृति का यथार्थ परिचय हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है।
हमारा जीवन ही नहीं, सामाजिक जीवन ही नहीं, अपितु जंगलों का भी बहुत सुंदर अंकन अजंता के चित्रकारों ने हमारे समक्ष पेश किया है। हस्त मुद्राएं तथा भाव प्रदर्शन भावनाओं, विचारों या विषय की अभिव्यक्ति के लिए अजंता के चितेरों ने जिन उपादानों का आश्चर्य लिया है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान हस्त मुद्राओं का है। यद्यपि मुख की भंगिमा और नेत्रों का लास्य भी अजंता के चित्रों में प्रमुख है, किंतु हस्त मुद्राओं का ऐसा अद्भुत प्रदर्शन न तो इससे पूर्व की किसी कला शैली में हमें दिखाई न देता है और न ही इसके बाद की किसी कला शैली में हमें दिखाई दिया है। अजंता की कला में इस उच्च आदर्श को स्पर्श कर अपना नाम अमर कर दिया। प्रत्येक मुद्रा में कलाकार की शास्त्रीय दृष्टि है, उनमें गति है, स्थिरता है, मंथरता है, चापल्य आदि का पूरा ध्यान रखा गया है। नारी का आदर्श रूप, यह भी अजंता के चित्रों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अजंता के चित्रों में नारी को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। वे नारी मूर्तियां कला की अधिष्ठात्री देवियां हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार नारी को एक आदर्श रूप में स्वीकार किया गया है। उसका चित्रण मानवीय रूप में न होकर सैद्धांतिक रूप में हुआ है, जो कि सार्वभौमिक सौंदर्य का प्रतीक है। अजंता के चित्रों में जो सीमाहीन सौंदर्य व्याप्त है, उसकी व्यंजना का साधन नारी ही है, जो इंद्रिय आकर्षण का केंद्र बिंदु न होकर आध्यात्मिकता की परिचायक है, परिचायिका है। वह गौरव और गरिमा की विभूति है। नानाविध रूपों में नारी का अंकन हमें अजंता के चित्रों में देखने को मिलता है। रूढ़िहीनता, अजंता के चित्रकार परंपरा के पूर्वाग्रह से सर्वथा मुक्त थे। चित्रावली में यद्यपि विषयों की पुनरावृत्ति बहुत हुई है, किंतु उस पुनरावृत्ति में भी अलग अलग चित्रकारों का अपना स्वतंत्र कौशल विद्यमान है। अजंता की चित्रावली में केवल रेखाओं की विभिन्नता के आधार पर कम से कम 20 प्रकार की शैलियों को निकाला जा सकता है, और यदि रंग योजना के आधार पर विश्लेषण किया जाए तो उसमें से भी अनेक शैलियां विकसित की जा सकती है। अजंता की चित्रकला एक सांचे में बंधी हुई अनुकृति न होकर कलाकार की वास्तविक एवं उत्तात कलावृत्ति का परिचायक है। उनकी भावभंगिमा आंतरिक प्रेरणा का जीवंत रूप है। रूढ़िवादिता इन चित्रों में यदि कहीं दिखाई देती है तो वह आलंकारिक चित्रों में, किंतु मूल में भी, उनके मूल में भी हमें मौलिकता दिखाई। अजंता की किन किन विशेषताओं का उल्लेख करें, हर स्तर पर वे उच्च कोटि के ही चित्र रहेंगे। अजंता की चित्रकला का हर पहलू शाश्वत और चिरंतन है। इनका निर्माण हुए लगभग 2300-2400 वर्ष बीत गए हैं, किंतु उनकी नवीनता एवं सजीवता में कोई कमी नहीं आ पाई है। उन महान कलाकृतियों के समय समय पर भारतीय कलाकारों ने प्रेरणा प्राप्त कर राजपूत, मुगल, पहाड़ी जैसी अन्य शैलियों को जन्म दिया। उसके स्वरूप एवं शिल्पी विरासत बाग, बादामी, सित्तनवासल और एलोरा आदि चित्रकला में दिखाई देता है। उनसे आधुनिक चित्रकारों ने प्रेरणा प्राप्त की। आज भी उसको चित्रकला का सर्वोच्च तीर्थ माना जाता है। इसी के साथ हमारा अजंता चित्र शैली कंप्लीट होता है। इसका PDF भी मैं आपको पहले भेज चुकी हूँ, आप सब लोग उसे भी देख सकते हैं, और मुझे लगता है कि आपको ये समझ आया होगा। और आपको अगर नहीं समझ आया तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप मेरे से WhatsApp पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।